अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल सबा ब्यूटी टिप्स। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेमेडी लेके आई, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्पेशल रेमेडी है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पे पिंपल्स, एक्नी, पिगमेंटेशन, ब्लैक हेड, ओपन पोर्स और व्हाइट हेड भी हैं, तो उनकी स्किन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने वाली इस रेमेडी से। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि रेमेडी कैसे बनेगी। आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि रेमेडी किस तरीके से आपने यूज करनी है और कैसे इससे बनाना है। तो रेमेडी की तरफ जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, न्यू है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, इतनी मेहनत से एक वीडियो बनती है तो लाइक करना ना भूला करें। कमेंट करके जरूर बताया करें कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी, अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करें आपको अगर कोई भी वीडियो पसंद आए। तो रेमेडी की तरफ चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ। जी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक क्लीन बोल ले लिया और इसमें ऐड करूंगी, सबसे पहले जो चीज लेनी है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जैसे कि आपको पता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा वाइटनिंग देता है, ये बिल्कुल नेचुरल है। इससे हम आंखें बंद करके इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही, आज की जो रेमेडी में चीजें यूज होने वाली सारी चीजें नेचुरल है, किसी चीज से आपको साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। और आप जब ये एक मरतबा फेस पैक लगाएंगे तो दोबारा आप जरूर लगाएंगे, क्योंकि इसका कोई इतना कमाल का रिजल्ट मिलेगा ना आप लोगों को। तो चलते हैं हम अपनी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेमेडी बनाना। आधा चम्मच आपने लेना है मुल्तानी मिट्टी का, आधा चम्मच मैंने लिया मुल्तानी मिट्टी का। और उसके बाद इसमें ऐड करूंगी रोज वाटर। रोज वाटर यानी कि अड़के गुलाब। ये आपको पता है कि हमारी स्किन को तरोताजा रखते हैं, हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा फ्रेश रखने में मदद करता है, ये भी हमारी स्किन को व्हाइट में बहुत ही जबरदस्त है हमारी स्किन के लिए। तो ये इसमें ऐड करूंगी तकरीबन हाफ चम्मच। तो जी, यहां इसके बाद जो चीज है वो है एप्पल विंगर, यानी कि सेब का सिलका। ये भी आप, बहुत से लोगों को पता है कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, और कुछ लोगों को ये नहीं पता कि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और ये मोटापे में भी बहुत ही ज्यादा हमारी मदद करता है, मोटापा बहुत तेजी से कम करता है। तो ये हम लेंगे एप्पल विंगर, ये हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा व्हाइट और ब्राइट बनाता है। ये हम लेंगे एक चम्मच। तो जी, ये मैं ले रही हूँ एक चम्मच एप्पल विंगर। ये हमारी स्किन को, ओपन पोर्स को क्लोज करके हमारी स्किन को व्हाइट और ब्राइट बनाएगा। लास्ट जो चीज है वो है एग। आपको पता है एग हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, ये हमारी स्किन को व्हाइट और ब्राइट बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है, और हमारी स्किन के ऊपर जो झुड़ियां पड़ जाती हैं कम उम्र में और बहुत से पिगमेंटेशन, ब्लैक हेड होते हैं, तो उन्हें रिमूव करके ये हमारी स्किन को एक बहुत ही प्यारी सी एक लुक देता है। तो ये आज का जो फेस पैक है बहुत ही जबरदस्त है। तो इसमें एग की सिर्फ हमने सफेदी लेनी है एक चम्मच। तो जी, यहाँ पे मैंने लिया है एग की सफेदी एक चम्मच। तो जी, यहाँ पे मैंने एग की भी एक सफेदी की एक चम्मच ले लिया, व्हाइट एग ले लिया। तो ये अब सारी चीजों को मिक्स करते हैं अच्छे से, ताकि ये अच्छे से सारी चीजें मिक्स होके एक जान हो जाए। तो ये बहुत ही जबरदस्त हमारा फेस पैक बनने वाला है, बहुत ही ज्यादा वाइटनिंग फेस पैक है। पिगमेंटेशन, एक्ने, पिंपल्स के निशानात, ओपन पोर्स, सबको ये रेमेडी हल कर देगी। ओपन पोर्स को तो ये क्लोज करके हमारी स्किन को वाइटनिंग हार्म करेगा। ये बहुत ही जबरदस्त फेस पैक है। तो जी, ये देखे मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है।
आप लोगों के सामने ये देखे, ये बिल्कुल सारी चीजें एक जान हो चुकी हैं, तो अप्लाई करने की बारी आ गई। तो चले मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो आपने किसी ब्रश की मदद से आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से। तो आपने इस रेमेडी को हफ्ते में 2 दिन यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी, आपने सिर्फ हफ्ते में 2 दिन यूज करनी है और आपको खुद बखुद अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी जबरदस्त रेमेडी है। तो ये आपने हफ्ते में 2 दिन यूज करनी है, 10 मिनट के बाद आपने सिर ठंडे पानी से वॉश कर देना और आपको एक बहुत ही प्यारी सी चमक, ग्लोइंग स्किन आपकी, जब आप इसे वॉश करेंगे आपकी ग्लोइंग स्किन निकलेगी। तो आपको बहुत ही करती हूँ आपको बहुत ही उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आपने कमेंट कर जरूर बताना है कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी। तो जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो पसंद आई तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह रेमेडी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।